Welcome back, dear students, in a new video of Essential ICSE Mathematics for Class 8 by A. Das Gupta and A. Kumar. We are doing chapter Volume and Surface Area, Exercise 2nd A. So, dear students, in the previous video, we have done up to question number 4th. Today, we will start from question number 5th. Question number 5th is, how many centimeter cube block will be required to build क्यूब क्यूबॉइड ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन. ठीक है, हमें क्यूब और क्यूबॉइड की जो डायमेंशन दी गई है उन सब का आंसर सेंटीमीटर में निकालना, सेंटीमीटर क्यूब में निकालना. जो वॉल्यूम निकालेंगे हम सेंटीमीटर क्यूब में निकालेंगे. ठीक है, अब यहाँ देखिए आपके पहले का दे रखा है 4 cm × 8 cm × 7 cm. तो वॉल्यूम इज एल इंटू बी इंटू एच, 4 × 8 × 7 दैट इज 224 cm³. नाउ सेकेंड इज 4 m × 50 cm × 0.1 m. ठीक है, हमको क्या करना है कि हमें जो मीटर में नहीं, हमें सेंटीमीटर में निकालना है आंसर. ठीक है, सो वी विल कन्वर्ट दिस मीटर इंटू सेंटीमीटर. हाउ वी विल कन्वर्ट, 1 m = 100 cm. सो वट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई बाय 100, 4 × 100, 0.1 × 100, देन इट विल कन्वर्ट इंटू सेंटीमीटर. तो 4 × 100 cm, 50 cm वी विल राइट लाइक दिस एंड 0.1 × 100 cm. ठीक है, पॉइंट हट जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा. ठीक है, 400 × 50 × 100/10, आवर आंसर इज 2000 cm³. ठीक है, नाउ लेंथ ऑफ एन एच इज इक्वल टू 0.2. 0.2 दे रखा है, ये भी मीटर में है. 1 m = 100 cm. ठीक है, 1 m = 100 cm. सो वॉट वी विल डू, वी हैव टू कन्वर्ट दिस मीटर इंटू सेंटीमीटर. हाउ वी विल कन्वर्ट, वी विल कन्वर्ट बाय डिवाइडिंग दिस विद, बाय मल्टीप्लाइंग दिस विद 100. ठीक है, 1 m = 100 cm. तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आएगा, तो यहाँ से ए की वैल्यू 20 आ गई. अब मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, 20 × 20 × 20 दैट इज 8000 cm³. ठीक है, अगेन फोर्थ इज a = 4 cm, v = a³. यहाँ पर सेंटीमीटर में ही है तो हमें इसे कन्वर्ट नहीं करना है. वॉल्यूम होता है ए क्यूब, 4 × 4 × 4 दैट इज 64 cm³. Our next question is, find the capacity in liter of a pot of dimension 24 cm × 7.5 cm × 12 cm. कैपेसिटी निकालनी है, यानी पहले हमें वॉल्यूम निकालना है, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखा है तो हमें लीटर में निकालना है. ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम, बिकॉज 3 dimensions आर गिवन, सो इट इज अ क्यूबॉइड, एल इंटू बी इंटू एच दैट इज 2160 cm³. ठीक है, मल्टीप्लाई करना है हमें सिंपली. अब 1 cm, इस सेंटीमीटर क्यूब को हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 cm³ इज इक्वल टू 1/1000 L. तो वी विल डिवाइड दिस विद 1000. ठीक है, तो वॉल्यूम आ गया 2.16 L. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन ईयर, एन एम्प्टी रूम 5 m long, 4 m wide एंड 3 m height. ठीक है, डायमेंशन एल बी एच से रखिए, इट मीन्स इट इज अ क्यूबॉइड. सो वॉल्यूम इज एल इंटू बी इंटू एच दैट इज 5 × 4 × 3 दैट इज 60 m³. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 3 metallic cubes ऑफ साइड 6 cm, 8 cm एंड 10 cm आर मेल्टेड एंड मेड इट टू अ सिंगल क्यूब, फाइंड द एज ऑफ द न्यू क्यूब. ठीक है, तीन क्यूब हैं जिनकी अलग अलग साइड से रखी है, उनको मेल्ट किया और एक सिंगल क्यूब बनाए. जब भी हम किसी चीज को मेल्ट करके नई चीज बनाते हैं, तो जो पुरानी चीज है और नई चीज है, उन दोनों का वॉल्यूम सेम होता है. ठीक है, तो हमने क्या करना है कि पहले तो इन तीनों का वॉल्यूम निकाल देंगे. ठीक है, इन तीनों का वॉल्यूम जो होगा प्लस करके, वो नए के वॉल्यूम के बराबर होगा. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए 6 है, साइड 6 है, तो वॉल्यूम 6 × 6 × 6 दैट इज 216. क्यूब का साइड 8 है तो वॉल्यूम 512, साइड 10 है तो वॉल्यूम 1000. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, वो न्यू क्यूब कौन सा वाला है जिसको हमने मेल्ट करके बनाया, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब 3. क्यूब 1 है 216, 512, 1000. ठीक है, दैट इज 1728. तो वॉल्यूम आ गया 1728. हमें वॉल्यूम नहीं निकालना है, हमें साइड निकालनी है. ठीक है, अब वॉल्यूम ए क्यूब होता है, इट मीन्स वी कैन राइट ए क्यूब इज इक्वल टू 1728. ठीक है, 1728 किसका क्यूब रूट है, 12 का. सो एच ऑफ द न्यू क्यूब इज 12 cm.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी 3 सेंटीमीटर क्यूब कैन बी फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग अ 15 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल। ठीक है, 15 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, उसको अगर हम मेल्ट करेंगे तो कितने नंबर ऑफ क्यूब हमें मिल जाएंगे। तो हमने बोला कि भाई ये 3 सेंटीमीटर का एक छोटा क्यूब है, तो एज ऑफ स्मॉल क्यूब दैट इज ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ए क्यूब दैट इज 27। एज ऑफ लार्ज क्यूब दैट इज 15 सेंटीमीटर, जो बड़ा वाला है 15 सेंटीमीटर, उसका वॉल्यूम हो जाएगा 15 15 15, दैट इज 3375। नाउ नंबर ऑफ क्यूब कैसे करके निकालते हैं, जो बड़ा क्यूब होगा डिवाइड बाय स्मॉल क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब ओवर वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब दैट इज 15 into 15। यू कैन मल्टीप्लाई ऑल्सो एंड यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो सो दैट योर कैलकुलेशन बिकम ईजी। ठीक है, कैलकुलेशन ईजी बन जाएगी, 15 into 15 into 15 ओवर 3 into 3 into 3। ठीक है, 3 5 15 3 5 15 3 5 15, सो नंबर ऑफ क्यूब इफ यू विल मल्टीप्लाई ऑल दीज वी विल गेट 125। तो नंबर ऑफ क्यूब इज 125। जब हम 15 सेंटीमीटर के क्यूब को बेल्ट करके 3 सेंटीमीटर के क्यूब बनाएंगे तो हमें 125 क्यूब मिलेंगे। ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन और है, हाउ मेनी क्यूब ऑफ डायमेंशन 4 सेंटीमीटर बाई क्यूब, सॉरी हाउ मेनी क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूबॉइड मेजरिंग दिस। ठीक है, इसको काटने से कितने इतने के क्यूब मिल जाएंगे। तो पहले वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूबॉइड। नंबर ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूबॉइड ओवर वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूबॉइड, यानी 8 into 6 into 4 ओवर 4 into 3 into 2। ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट नंबर ऑफ क्यूबॉइड दैट इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ लेड 10 cm by 5 cm by 6 cm, बाई का हमेशा मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ क्यूबॉइड व्हिच इज 10 cm हाई एंड 2 cm वाइड, फाइंड द लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक को मेल्ट किया और उससे बना दिया एक क्यूबॉइड। जब भी हम किसी को मेल्ट करके कुछ और चीज बनाते हैं तो दोनों चीज का वॉल्यूम सेम होता है। जब भी हम किसी चीज को, जैसे हम रेक्टेंगुलर ब्लॉक को मेल्ट कर रहे हैं क्यूबॉइड बनाए, तो उन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ठीक है, अब हमने लेंथ ऑफ क्यूबॉइड निकाली है, तो हमने बोल दिया लेट एल बी द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक 10 बाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई 5 into 6। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 10 2 और लेंथ हमने एल मानी। अब हमने इसको रिकास्ट करके ये बनाया, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक। ठीक है, 10 into 2 into L, 10 into 5 into 6। L की वैल्यू निकालनी है तो L के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होंगे वो नीचे डिवाइड में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करके L इज इक्वल टू 15 cm, 10 से 10 कटा, 2 से 3 कटा, दैट इज 15 cm। अगेन वी हैव वन क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर टैंक 8 meter लॉन्ग 7 meter वाइड एंड 5 meter हाइट कंटेन वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 3 meter, हाउ मच मोर वाटर कैन इट होल्ड। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर टैंक है, ठीक है, खाली टैंक 7 8 7 5 उसकी डायमेंशन, जब वो खाली है, जब उसमें 3 meter का पानी है तब उसकी डायमेंशन। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि कितना और पानी आ सकता है। तो ठीक है, पहले हमने वॉल्यूम ऑफ खाली टैंक का निकाल लिया, दैट इज 8 into 7 into 5, दैट इज 280 meter cube। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि उसमें जब पानी है, ये तो खाली टैंक है और कितना पानी है 3 meter, तो आगे की डायमेंशन तो वही हो जाएगी 8 into 7, और डीप कितना है 3, तो 168। ठीक है, खाली है 280, पानी है 168, कितना और आ सकता है, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर मोर इट कैन होल्ड दैट इज 280 minus 168, दैट इज 112 meter cube। अगेन वन न्यू क्वेश्चन इज अ रेक्टेंगुलर टैंक इज 5 meter लॉन्ग 4 meter वाइड एंड 2 meter डीप कंटेन वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 1.5 meter। ठीक है, द वॉटर इन द टैंक इज रन ऑफ इन टू अ एम्प्टी टैंक दैट इज 4 meter लॉन्ग एंड 3 meter वाइड, वट विल बी द डेप्थ ऑफ द वॉटर इन द सेकेंड टैंक। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर टैंक है, उसमें पानी है 1.5। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, वो पानी किसी और में डाल रहे हैं, द वॉटर इन द टैंक इज रन ऑफ इन टू एन एम्प्टी टैंक, वो पानी किसी और में डाल रहे हैं जिसका डायमेंशन है 4 meter लॉन्ग एंड 3 meter वाइड। ठीक है, आपको क्या करना है, वॉट विल बी द डेप्थ, आपने हाइट निकालनी है कि जो जिसमें पानी डाला गया उसकी डेप्थ कितनी है। तो ठीक है, क्या कर देंगे भाई, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक जब खाली है तो 4 into 5 into 4 into 2। ठीक है, जब इसमें 1.5 का पानी है तो 5 into 4 into 1.5, दैट इज 30 meter cube। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी टैंक जिसमें पानी डाला गया, दैट इज 4 meter into 3 meter और h यहाँ पर दिया है। ठीक है, दैट इज 4 meter लॉन्ग एंड 3 meter वाइड। ठीक है, मैंने क्या कहा, जब भी किसी
को किसी चीज में डालते हैं, रिकास्ट करते हैं, दोनों का वॉल्यूम सेम है। इसका पानी ये पानी इसमें डाल रहे हैं, ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। 4 × 3 × h = 30, यहाँ से h की वैल्यू जो मल्टीप्लाई में हो नीचे डिवाइड में आ जाएंगे, ठीक है, तो h कितना हो गया 2.5 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्यूबॉइड इज 6.5 मीटर लॉन्ग, 4 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 2.5 हाई। ठीक है, क्यूबॉइड की डायमेंशन ये दे रखी है और क्यूब की डायमेंशन ये दे रखी है। ठीक है, कह रहे हैं कि दोनों में से किसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो वॉल्यूम ज्यादा कैसे करके निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल देंगे L × b × h, दैट इज 65 सेंटीमीटर क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे दैट इज 4 क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों में से किसका ज्यादा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज ग्रेटर।